हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। मेरा नाम है गजेंद्र सजवान और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट की। आज हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आयनिक क्रिस्टल की रेडियस रेशियो के बारे में, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, और कोऑर्डिनेशन नंबर से हमने क्या देखा था, उनका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के बारे में हमने बात की थी, है ना। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आयनिक क्रिस्टल्स जो एग्जामिनेशन पर्पज से आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स से पहले हमें आयनिक क्रिस्टल्स को समझना होगा, ठीक है। तो आयनिक क्रिस्टल्स आपको पता होना चाहिए, आयनिक क्रिस्टल्स आपको पता होगा वैसे किसके बने होते हैं, भाई कैटायन और एनायन के बने हुए होते हैं। तो कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा एक इंटर आयनिक फोर्स प्रेजेंट होता है, तो उस इंटर आयनिक फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, वो जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा उतना वो सॉलिड क्या होगा, आयनिक क्रिस्टल्स क्या हो गए, आयनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दीज आयंस आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इंटर आयनिक फोर्स, उसी की बात कर रहा हूं ना मैं, इंटर आयोनिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे हमने कहा, विल बी मैक्सिमम। उसका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। उनके बीच में जितना ज्यादा मैक्सिमम इंटर आयोनिक फोर्स होगा वो सॉलिड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इतनी बात आपके समझ में आए, चलिए ठीक है आगे बढ़े। तो इससे आपको पता चला, इससे आपके समझ में बात आई कि भाई आयोनिक क्रिस्टल्स होते क्या है, आयोनिक क्रिस्टल्स किनके बने होते हैं, कैटायन एनायन के बने होते हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, राइट। तो अब देखेंगे इस आधार पे आपके ये फॉलोइंग टाइप्स के हैं, तीन टाइप्स से आपके ये बांटे हुए हैं एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट टाइप है आपका एबी टाइप, कैसा टाइप है, एबी टाइप। सेकेंड टाइप में आपको पढ़ाऊंगा एबी टू टाइप, एंड थर्ड टाइप जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है ए टू टाइप, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा, ए बी टाइप, ठीक है, ए बी टू टाइप एंड ए टू बी टाइप से वो क्रिस्टल लैटिस का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, आपको ए बी टाइप के वाले बारे में बात करेंगे। अगर ए बी टाइप की मैं बात करूं, इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे NaCl, LiCl, जितने भी हमारे अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स हैं, अल्काइल अल्कली मेटल्स, उनके साथ क्या बनेगा, एबी टू टाइप का क्या बनेगा हमारा, वो क्रिस्टल लैटिस का या क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर उस तरीके किस तरीके का दिखता है, इन सब में वो जो मैं आपको NaCl का यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ वो सारा का सारा अल्कली मेटल जितने हैं उन सब में वो अप्लाई होगा, ठीक है, जो भी एबी टाइप के। तो एबी टाइप मतलब ए और ये सीएल बी टाइप, राइट, ठीक है। तो NaCl का क्रिस्टल किससे बना होगा भाई, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर के बना होगा वो क्रिस्टल, ठीक है। आइए चलिए पहले उसको क्रिस्टल को देखते हैं किस तरीके से बना है। ये है आपका NaCl का क्रिस्टल। तो इसमें Na के आयन प्रेजेंट हैं, आपको दिख रहा है रेड कलर से, और Cl के आयन प्रेजेंट हैं इसमें ब्लू कलर से, ठीक है। तो हमको ये डिटरमाइन करना है, ये जो यूनिट सेल है इससे मिलकर के हमारा, आपको पता है मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, यूनिट सेल, छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलकर के क्या बना है, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो हम यहाँ पे ए बी टाइप की बात कर रहे हैं, ए बी टाइप में भी हम कौन सा एग्जाम्पल लिया है, मैंने NaCl का एग्जाम्पल लिया है, राइट। तो अब हमें देखना है NaCl के जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है NaCl का, वो किसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर के बना होता है। तो वो आयन जो है इस यूनिट सेल में कहां पर प्रेजेंट है, उनकी सिचुएशन कहां पर है, ठीक है, वो किस तरीके से यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं Cl आयन की बात करते हैं, किसके, क्लोरीन आयन की बात करते हैं। तो क्लोरीन आयन कैसा करता है, क्लोराइड आयन जो है, क्लोरीन आयन या फिर बोले क्लोराइड आयन्स आर अरेंज्ड इन FCC या फिर CCP मैनर में। ये जो क्लोराइड आयन होते हैं वो एक यूनिट सेल में FCC और CCP मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, क्लोराइड आयन आर CCP टाइप या फिर इसको बोलो आप FCC टाइप भी बोलेंगे, ठीक है, FCC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। दैट इज, इसका मतलब क्या है, आपको प्रीवियस क्लास में बताया FCC में मैंने क्या बताया था, जो FCC यूनिट सेल होता है उसमें जो लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट या फिर एटम्स या फिर आयंस, उनकी उनकी सिचुएशन कहां पर होती है, कॉर्नर्स पर होती है,
राइट एक कमरे का जब मैंने एग्जांपल दिया था, आप यूनिट सेल मान लीजिए इस ये रूम को, यूनिट सेल मान लीजिए, या आप जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस रूम में आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वो आपका हो गया एक यूनिट सेल। ठीक है, तो आप उसके कॉर्नर देख लीजिए, एट कॉर्नर्स हैं। तो एट कॉर्नर्स एफसीसी में कहां पर होते हैं? तो कॉर्नर्स पे हमारा लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, और कहां पर होता है? फेसेस पर, फेसेस पर। ठीक है, दीवार हमारी फेस हो गई यहां पर, अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो उसके फेसेस के भी कहां पर? सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्लोराइड आयन कहां पर प्रेजेंट होंगे? उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे और फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। इतनी बात समझ में आई? तो ठीक है, तो नंबर ऑफ, वहां से हम नंबर ऑफ क्लोराइड आयन निकाल लेंगे। निकाल लेंगे सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए आइए कैसे निकालोगे। तो एफसीसी का है, हमें पता है एफसीसी टाइप से अरेंजमेंट हो रखा है क्लोराइड आयन का। ठीक है, क्लोराइड आयन का एफसीसी टाइप से अरेंजमेंट हुआ है। हमें पता है कॉर्नर्स पर कितने होते हैं एटम की संख्या? 8। कंट्रीब्यूशन कितना होता है उस एक यूनिट सेल में? 1/8। प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, फिर से बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, प्लस फेसेस कितने होते हैं? 6। कंट्रीब्यूशन 1/2 का। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, यहां से आ गया आपका 1+3। तो कितने हो गए भाई? टोटल कितने आयंस प्रेजेंट हो गए? टोटल क्लोराइड आयंस की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितने प्रेजेंट होंगे यहां पर इस स्ट्रक्चर में, एबी टाइप वाले स्ट्रक्चर में? कितने होंगे क्लोराइड आयन? 4। कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे क्लोराइड आयन? ठीक है, अब देखिए सिचुएशन, देखिए क्लोराइड आयन की कहां पे? देखो, एक तो कॉर्नर्स पर होगी ये, ठीक, कॉर्नर्स पर है, 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में, और एक फेज के सेंटर, ये फेज है इसके सेंटर पे, इधर वाला फेज ये है इसके सेंटर पे, ऊपर वाला फेज ये है इसके सेंटर पे, और नीचे वाला फेज ये है इसके सेंटर पर, एक फेज ये है आगे की तरफ, एक फेज इसके पीछे की तरफ। टोटल 6 फेज हो गए आप। ठीक है, कॉर्नर्स टोटल 4 ऊपर 4 नीचे, 8। ठीक है, इससे आपको समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमने क्लोराइड आयन का निकाल दिया है, कितना निकाला है? 4। ठीक है, आइए Na पॉजिटिव का आप देखते हैं। अब जो Na पॉजिटिव होते हैं, वो होते हैं उनकी सिचुएशन, Na पॉजिटिव आयंस की सिचुएशन कहां पर होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की सिचुएशन जो होगी, जहां पे ऑक्टाहेड्रल हमारे वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर क्या होती है? Na पॉजिटिव के आयंस हमारे प्रेजेंट होंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है, तो प्रीवियस क्लास की आप वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो पार्ट 3, तो उसमें आपको समझ में आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक्चुअली में होते क्या। पर फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने कहा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं हमारे एज के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एज के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने साफ साफ देखा है कि सोडियम आयन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फिर सोडियम आयन प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल की सिचुएशन एक तो कहां पर होती है? एज के सेंटर में। ये हमारी एज हो गई, कितनी एज होती है टोटल एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में? 12 एज होती है ना, तो एज के सेंटर में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कहां पे होंगे? एज के सेंटर में होंगे। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, कहां पर होंगे? एक तो मैंने कहा एज के सेंटर में, तो एज कितने होते हैं टोटल? 12 एज होते हैं, इनटू 1/2 कितने का? 4 का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन ये किसमें जाएगा? इस वाली यूनिट सेल में जाएगा। ठीक है, 1/4, ठीक है, इनटू सॉरी प्लस। अब एक कहां पर होगा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड उस यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? सेंटर। तो ये टोटल का, ये टोटल पूरा एक यहां पर प्रेजेंट है, तो टोटल एक आयन, टोटली एक आयन, एक Na पॉजिटिव आयन पूरा का पूरा ये सेंटर में प्रेजेंट है। इतनी बात आपके समझ में आई? तो 12 तो ये हो गए, 12 × 1/4 पार्ट, 12 का 1/4 भाग आपका इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस एक पूरा का पूरा भाग Na का यहां कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 4 × 3 = 12, 3 + 1 कितना हो गया आपका? 4। तो Na पॉजिटिव की संख्या कितनी हो गई? Na पॉजिटिव आयन यहां कितने प्रेजेंट है? 4। और क्लोराइड आयन कितने प्रेजेंट है? 4। तो कितने का रेशियो हो गया यहां पे? 4:4 का रेशियो आ गया। तो टोटल अब कैसे बनेगा आपका ये क्रिस्टल NaCl? अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन आएगा NaCl के जो क्रिस्टल, या फिर रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं हमको, रॉक सॉल्ट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें NaCl के कितने कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? तो आप कितने बोलोगे भाई? 4 कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। कितने? 4 यूनिट ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। 8 मत बोल देना कि भाई 4+4 कर दोगे, ऐसे नहीं। तो 4 Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से मिलकर ही तो बना है NaCl, राइट?
तो 4 Na के आयंस प्लस 4 क्लोराइड के आयंस, ये 4 कहां से निकला अभी बताया मैंने, ठीक है ध्यान देना इसको, तो 4 और 4 ये क्या, ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे तो 4 NaCl के जो ये कंपाउंड है आपके इससे मिल करके ये बन क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन। कितने कंटेंस, तो ईच यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेंस 4 यूनिट ऑफ NaCl। तो इतनी बात समझ में आई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, पूछेगा NaCl के क्रिस्टल लैटिस में कितने NaCl प्रेजेंट होंगे, तो कितने होंगे 4 यूनिट ऑफ NaCl, कितने होंगे 4 यूनिट ऑफ NaCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा भाई NaCl या फिर बोल देगा रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो मैंने बताया प्रीवियस क्लास में, मैंने ये भी बताया आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, नॉन आयनिक का बताया था ना कि क्या नियरेस्ट नेबर एटम जो होते हैं उस एटम के नियरेस्ट नेबर एटम जो होंगे वो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करेंगे, बट यहां पे हम आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है आयनिक क्रिस्टल हमारा कैटायन एनायन से मिलकर के बना हुआ है, तो यहां पे हम आयंस की बात भी करेंगे, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या डेफिनेशन देंगे, नियरेस्ट नेबर एटम बट क्या होने चाहिए अपोजिटिवली चार्ज नियरेस्ट नेबर एटम जो प्रेजेंट होंगे उससे हम क्या यहाँ पे क्या निकाल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल Na को हमने सिस्टम मान लिया, अब इस Na फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रेड कलर का Na है सेंटर में प्रेजेंट है क्यूब के, देखिए बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ पे Na पॉजिटिव है राइट, अब Na पॉजिटिव से कितने अपोजिटिवली चार्ज आयंस जुड़े हुए हैं, कितने अपोजिटिवली चार्ज आयंस जुड़े हुए हैं इस बॉल को, इस Na पॉजिटिव को टच कर रहे हैं अपोजिटिवली चार्ज, अपोजिटिवली चार्ज यहां पे कौन से आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं राइट, तो क्लोराइड आयंस, अब हमको देखना पड़ेगा कि कितने क्लोराइड आयन इस Na पॉजिटिव आयन से जुड़े हुए हैं वो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करेगा। ऐसे ही हमको यहां पे अगर हमको क्लोराइड का निकालना होगा बाय चांस तो हमको क्लोराइड के क्या देखने पड़ेंगे अपोजिटिवली चार्ज आयन, Na पॉजिटिव को फिर हमको यहां पर देखना पड़ेगा क्लोराइड के लिए, पहले हम यहाँ पे Na वाले को देखते हैं फिर क्लोराइड को देखेंगे राइट। अब Na वाले को देखेंगे, आ जाइए Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, चलो देखो कितने जुड़े हुए हैं, एक कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है आ जाओ, एक तो ये जुड़ा हुआ है ठीक है, एक ये जुड़ा हुआ है, दो हो गए, एक इसके इधर जुड़ा हुआ है ये वाला ठीक है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये ऊपर से जुड़ा हुआ है, एक इसके नीचे से जुड़ा हुआ है राइट, तो टोटल कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो Na का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया 6 हो गया हमारा, देखिए यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है कितना है 6 हो गया, Na का कितना हो गया 6 हो गया। अगर हम करते हैं, अब करते हैं क्लोराइड आयन की बात, तो ऐसे ही क्लोराइड आयन भी 6 Na पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होगा या फिर बोलो चिपका हुआ होगा, ठीक है इतनी बात आपके समझ में आई, और ये जो स्ट्रक्चर बना तो कितना हो गया 6:6, तो क्लोराइड आयन देख सकते हो, कोई सा भी क्लोराइड आयन ले लो, ये वाले ले लो ठीक है, 1 नीचे, 2 इधर, 3 इधर, 4, 5 इसके पीछे और 6 इसके इधर राइट, दूसरे यूनिट सेल में जा रहा है 6 इसके इधर, ठीक है इतनी बात समझ में आई, तो 6:6 का ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा यहां से रॉक सॉल्ट में कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप बोलोगे 6:6, यूनिट सेल की संख्या कितनी होती है 4 यूनिट होती है, कितनी होती है 4 यूनिट होती है ठीक है, दो अलग अलग टाइप क्वेश्चन है जिनका आपको डिफरेंट तरीके से आपको कंसेप्चुअल बेसिस पे आपको उनका आंसर आना चाहिए ठीक है। अब आपको पता है रेडियस रेशियो में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था जिन मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनका जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसी बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, कैसी ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो यहां पे देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है ना, ये ब्लू वाला पकड़ के देखो, अभी से हटा दो ये जो ब्लू वाला मैंने Na पॉजिटिव वाला बताया था ना, ये इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अगर मैं इसको जोड़ूंगा इस तरीके से एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का ठीक है, ऑक्टा इसकी मिला लो इनका, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का ये क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बहुत सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सिचुएशन कहाँ पे समझ में आना चाहिए है ना, तो आगे बढ़े
तो चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, सीजियम क्लोराइड। कौन सा? सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो यहां से पूछेगा आपको। ठीक, तो सीजियम क्लोराइड में दो आयन प्रेजेंट है भाई, कौन कौन से? सीजियम पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन या सीएल नेगेटिव आयन आपके प्रेजेंट। ये जो सीजियम क्लोराइड है, आपको सीधे याद रखना है, ये जो सीजियम क्लोराइड है बीसीसी लैटिस का फॉर्मेशन करता है। किसका? फॉर्म्ड बाय बीसीसी क्रिस्टल लैटिस। अब फिर वही बात आ जाती है कि भाई बीसीसी लैटिस होता क्या है। तो बीसीसी लैटिस आपको पता है, प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, बीसीसी लैटिस में जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, या फिर बोले हम आयंस प्रेजेंट होते हैं, या फिर बोले हम एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एक तो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के, और एक उस यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है। अब आपको सिचुएशन बतानी पड़ेगी आयंस की, राइट? तो आयंस की सिचुएशन बतानी है, तो आयंस कहां पर, किस सीजियम आयन कहां पर प्रेजेंट होगा? तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है ये बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर है, राइट? तो बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? सीजियम क्लोराइड का यूनिट सेल बनाता है। इतनी बात याद हो गई, ठीक है? तो सीजियम क्लोराइड्स कहां पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। सो कंट्रीब्यूशन अब इसका जज करते हैं। आइए कंट्रीब्यूशन को देखते हैं कि सीजियम क्लोराइड का कंट्रीब्यूशन कितना है। आ जाओ, तो सीजियम का कंट्रीब्यूशन कितना है, सीजियम आयन का कंट्रीब्यूशन? तो सीजियम आयन कहां पर है भाई? कॉर्नर्स पर है, 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 * कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल का, 8 कॉर्नर वालों का, 1/8 का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, समझ में आई बात, समझा रखा है ये प्रीवियस लेक्चर में। प्लस अब आपकी बात करते हैं, अभी इसकी बात, पहले सीजियम वाले की बात करेंगे, सॉरी पहले सीजियम वाले की बात करते हैं। ठीक है, सीजियम वाले की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन 8 * 1/8 का कंट्रीब्यूशन, और कहीं तो नहीं है ना? नहीं है सर। तो आ जाइए, तो कितना हो गया, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना बचा? 1। तो सीजियम के आयन कितने प्रेजेंट है यहां पर? 1। कितने हैं? 1। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, आगे बढ़े। अब आ जाओ क्लोराइड, एक पूरा का पूरा क्लोराइड आयन जो है उस यूनिट सेल के सेंटर में है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे क्लोराइड आयन भी यहां कितने हैं? 1। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि ईच यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड कंटेन कितने यूनिट ऑफ CsCl? ईच यूनिट सेल ऑफ CsCl सीजियम क्लोराइड कंटेन हाउ मेनी सीजियम क्लोराइड आयंस? यस, है ना? तो आप कितने बोलोगे? 1। कितने बोलोगे? 1 बोलोगे। कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे, जब तक आपको स्ट्रक्चर पता नहीं चला उसका कैसा है, बीसीसी टाइप का है, बीसीसी टाइप का है, तो हमने इस तरीके से निकाला, फिर हमने इसको फाइंड आउट किया कि भैया हमारा 1 आया। तो कैसे आ जाइए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो 1 एटम ऑफ सीजियम, 1 आयन ऑफ सीजियम प्लस 1 आयन ऑफ क्लोराइड, तो इससे क्या बन गया हमारा? 1 यूनिट ऑफ व्हाट? सीजियम क्लोराइड। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये यहां तक का हमारा सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस, ठीक है? किसी को भी कोई दिक्कत अगर है समझने में अभी भी, तो प्लीज कमेंट कीजिए और कमेंट करके मेरे को बताइए कहां पे आप परेशानी हुई, ठीक है? आगे बढ़े। चल नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड के मेनली दो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे यहां पर। पहला स्ट्रक्चर है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? जिंक ब्लेंड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड या फिर जिंक सल्फाइड की पहले हम बात करेंगे, फिर इसके दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएंगे, राइट? तो देखिए, जो ये जिंक ब्लेंड है, तो जिंक ब्लेंड किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है? सीसीपी टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? सीसीपी टाइप का स्ट्रक्चर। द आयंस आर अरेंज्ड इन सीसीपी। सीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग मैनर। जो इस जिंक सल्फाइड के जो कंपाउंड है उनमें जो आयंस है, जिंक आयन और सल्फाइड के आयन, Zn2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव, वो यहां पे सीसीपी मैनर में अरेंज होते हैं और एक सीसीपी या बोले क्यूबिक क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है? तो अब देखेंगे इनके आयंस का सिचुएशन कहां पर है, इनके आयन किस तरीके से इस सीसीपी पैकिंग में अरेंज हैं, राइट? तो देखते हैं, आइए सबसे पहले बात करते हैं हम सल्फाइड आयन की।
एस टू नेगेटिव आयन थी, किस तरीके से अरेंज। तो सल्फाइड आयन जो होते हैं हमारे यहाँ पर FCC मैनर में प्रेजेंट होते हैं। FCC कैसे? FCC मैनर में हमारे सल्फाइड आयन्स प्रेजेंट होते हैं। अब फिर वही बात आ जाती है कि सर FCC मैनर में प्रेजेंट होते हैं तो सिचुएशन कैसी होगी, बताया है अभी 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 बताया, ठीक है, NaCl वाले में बताया था FCC का, सेम यहाँ पे। तो सल्फाइड आयन क्या हो जाएंगे भाई FCC मैनर में, आइए आपको पता है FCC में कहाँ होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और एक कहाँ होता है, कहाँ होता है, फेस के सेंटर, राइट। ठीक, तो सल्फाइड आयन कितने हो जाएंगे टोटल, 8 × 1/8 प्लस फेस 6 × 1/2, तो कितने हो गए टोटल, 4 सल्फाइड आयन हमारे पास। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं जिंक आयन की। अब देखें इस CCP स्ट्रक्चर में जो जिंक आयन का सिचुएशन है वो कहां पर है, देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, जहां पर हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे वहां पर जिंक आयन प्रेजेंट होंगे। वो भी कहां पर प्रेजेंट होंगे, ऑल्टरनेटिवली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, जिंक आयन्स आर प्रेजेंट इन ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑल्टरनेटिव मीन्स, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर सिचुएटेड है। तो टोटल कितनी जगह होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक FCC लैटिस में या फिर एक क्यूबिक लैटिस में, कितनी जगह प्रेजेंट होता है, 8 जगह प्रेजेंट होता है ना, 8 जगहों पर प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे क्या बोला है, ऑल्टरनेटिव जगह पर प्रेजेंट है। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर प्रेजेंट है। तो टोटल 8 है, तो डिवाइडेड बाई अगर 2 कर देंगे तो 4 जगह पर प्रेजेंट होगा हमारा जिंक आयन, सिर्फ 4 जगह पर प्रेजेंट होगा। तो देखो स्ट्रक्चर में दिख रहा है सिर्फ 4 जगह पर रिप्रेजेंट है ये जिंक, हमने पिंक कलर से किया हुआ है, तो 1, 2, 3 एंड ये 4, ठीक है, ये वाले जो है वो इस यूनिट सेल से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस यूनिट सेल के अंदर कितने हैं, 4, और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4। तो हम क्या बोलेंगे, जिंक आयन की सिचुएशन क्या है, ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पे हमारे जिंक आयन प्रेजेंट होते हैं, इतना ध्यान देना है। और ये सल्फाइड आयन FCC अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां से भी 4 निकला, यहां से भी 4 निकला, तो क्या कंक्लूजन निकला इसका, तो इसका कंक्लूजन निकला ईच जिंक क्लोराइड के स्ट्रक्चर में क्या 4:4 कितना होगा। अब यहां से हम ये निकाल सकते हैं ना, 4 यूनिट ऑफ ये चीज जो हमने यहां बात किया, ये क्या चीज जो हमने यहां पे बात की, ईच यूनिट सेल ऑफ CSCl कंटेन 1 था, तो यहां पे हम बोलेंगे ईच यूनिट सेल ऑफ जिंक क्लोराइड कंटेन 1 यूनिट ऑफ जिंक सल्फाइड कंटेन 1 यूनिट ऑफ जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो Zn 2+4 था प्लस और हमारे सल्फाइड आयन थे, उससे मिलकर क्या बन गया 4 यूनिट ऑफ Zn। क्वेश्चन आएगा यहां से तो आप कर दोगे ना, नंबर ऑफ एटम की अगर, नंबर ऑफ आयन की अगर बात करेगा एक यूनिट सेल में, आप बता दोगे ना, बता देंगे, ठीक है। इतनी बात खत्म हुई, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, फिर वही बात, ऑल्टरनेट अपोजिटिवली चार्ज, ठीक है, अपोजिटिवली चार्ज nearest neighbor atom are defined coordination number, ठीक है, a positively charged nearest neighbor atom defined coordination number, ठीक है। अब ये हमारा, अब पहले हम बात करते हैं जिंक टू पॉजिटिव की, पॉजिटिव आयन है तो अब हमें किसे देखना पड़ेगा, पॉजिटिव आयन के चारों तरफ कितने इस पॉजिटिव आयन के चारों तरफ नेगेटिव आयन प्रेजेंट है और इससे चिपके हुए हैं, उसके नेबर है, तो ये जिंक आयन है यहां पर, जिंक टू पॉजिटिव, तो इससे कितने सल्फाइड आयन जुड़े हुए हैं, ये देखिए यहां पे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, तो कितने जुड़े हुए हैं, तो 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा भैया जिंक आयन का, 4 दिख रहा है, द स्ट्रक्चर हैज 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये क्लोराइड आयन का देखते हैं, आ जाइए, सॉरी सल्फर आयन का, क्लोराइड मेरे मुंह से निकल, अब देखें सल्फर आयन का देखते हैं, अब जब सल्फर आयन का भी देखेंगे तो 4 ही दिखेगा, ये वाला पकड़ लो सल्फर आयन S2 नेगेटिव, कितने जुड़े हुए हैं इससे, एक इस यूनिट सेल के बाहर है, ये वाला भी इस यूनिट सेल के बाहर है, ठीक है, जो दूसरा इसके यूनिट सेल यहां बाहर होगा ना, इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, 3D क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, तो जुड़े हुए हैं वो, ठीक है, आपस में उसके नेबर है, तीसरा ये है और चौथा ये, तो सल्फर सल्फाइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो इस टोटल कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन, जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन या जिंक ब्लेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होता है, और नंबर ऑफ
आयंस कितने प्रेजेंट होते हैं इसमें? फोर प्रेजेंट होते हैं, फोर फोर दोनों में, फोर फोर, राइट। इतनी बात समझ में आई? नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अपने नोट्स रहेंगे तो और अच्छी बात रहेगी, तो अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे नहीं कि कहानी की तरह सुन लिया इसको, मजा आ रहा है ना, तो इसे नोट्स लेके बैठिए, नोट्स बनाइए इसके, ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आ जाओ नेक्स्ट। इसका स्ट्रक्चर जो है जिंक सल्फाइड का, उसका नाम है वुडजाइड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? वुडजाइड स्ट्रक्चर, तो ध्यान देंगे इसको। तो ये जो वुडजाइड स्ट्रक्चर है, वो जो हमारा, जो इससे हमने प्रीवियस पढ़ा वो भी जिंक सल्फाइड था, उसको हम क्या बोल रहे थे? जिंक ब्लेंड। उस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जो हमने पीछे जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर देखा, उस स्ट्रक्चर से ये डिफरेंट है, बट इसमें जो आयंस है वो दोनों सेम प्रेजेंट है, दोनों स्ट्रक्चर में आयंस सेम, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब यहां पे किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है हेक्सागोनल टाइप का, राइट। आइए तो अब हम देखेंगे यहां पे सल्फाइड आयन किस मैनर में प्रेजेंट होंगे और जिंक के आयन किस तरीके से प्रेजेंट होंगे। अगर मैं बात करूं सल्फाइड आयन्स की, तो यहां पे जो सल्फाइड आयन्स होंगे वो HCP मैनर में प्रेजेंट, HCP मींस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मैनर में वो यहां पर इस क्रिस्टल लैटिस में या फिर इस यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे। कोई चीज लिखी हुई है, इन द वुडजाइड स्ट्रक्चर द सल्फाइड आयन इज अरेंज्ड इन द HCP मींस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखते हैं भैया होंगे पर कहां पर हैं, सर हमें दिखाओ, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना है वो बताइए, तो आ जाइए आपको बताते हैं। तो कैसे हैं ये सल्फर आयन है, सल्फाइड आयन है, ठीक है। अब ये कहां पे प्रेजेंट है? मैंने बोला HCP स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, इससे पिछली पार्ट 3 में बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, कि HCP मैनर किस तरीके का होता है? AB टाइप का होता है। कहा था मैंने HCP मैनर कैसा होता है? AB टाइप का होता है। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था? 6 एटम ऐसे अरेंज होते हैं जो ये इस तरीके से, और 6 उसके ऊपर अरेंज होते हैं। तो ये वाली लेयर पहली लेयर तीसरी लेयर के समान होती है, ये भी A है और ये भी A है, और इसकी जो सेंटर वाली लेयर होगी, ये पिंक वाली नहीं, ये ब्लू वाला देखो आप, ये जो सेंटर वाली लेयर होगी वो क्या होगी? एक ट्रायंगुलर शेप बनाएगी। कैसा शेप बनाएगी? ट्रायंगुलर शेप बनाएगी। तो ये बी टाइप हो जाएगा। ये कैसा टाइप हो जाएगा? बी टाइप, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, यहाँ पे फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूं मैं, राइट। तो ये AB टाइप का बनेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे देखिए अब नंबर ऑफ सल्फाइड आयन का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि हेक्सागोनल बना रहा है तो यहाँ पे कितने सल्फाइड आयन प्रेजेंट होंगे। तो आइए सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, कितने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ऊपर कितने 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो ये हो गए हमारे कॉर्नर में प्रेजेंट हो गए। टोटल कॉर्नर में कितने प्रेजेंट है? यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, सल्फाइड आयन कितने प्रेजेंट है? 12 इंटू, अब कॉन्ट्रीब्यूशन, ये 12 के 12 क्या ये आयंस इसी यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूट है? नहीं ना, ये तो पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, इसके बगल में भी एक और होगा, होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से यहां इधर को होगा एक और, इसके बगल में भी एक और होगा, ठीक है, इसके नीचे भी एक और होगा, इसके राइट साइड में भी एक और होगा, ठीक है। इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे तो 12 के 12 का होगा, जितने भी ये 12 के 12 हैं हमारे जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा तो नहीं है। अब कितना है देखो, 12 इंटू 1/6 का कॉन्ट्रीब्यूशन है। कितना है? 12 इंटू 1/6 का, ये सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट, इतना सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट इसका, 1/6 पार्ट इसमें, यहां पे से भी 1/6 पार्ट, इतना सा पार्ट, यहां पे भी 1/6 पार्ट, इतना सा पार्ट, ऐसे ही सब में 1/6 पार्ट। तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू जितने हमारे लैटिस पॉइंट है 12 है, इंटू 1/6 पार्ट इस यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, तो 1/6 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारा कितना निकल गया भाई? 3 तो हमारे ये हो गए, कौन से वाले? कॉर्नर वाले, ठीक है। अब HCP में ट्रायंगुलर जो होते हैं बी टाइप वाला, वो कहां होता है? यूनिट सेल के अंदर होता है। तो यूनिट सेल के अंदर कितने हैं? 1, 2 एंड 3, मैंने बताया ना AB टाइप का होता है, प्रीवियस क्लास में देखना होगा।
तो ये तो ए टाइप तो हमने निकाल दिया था, ए टाइप वाला, ए टाइप की होगा। अगर मैं बी टाइप की बात करूं इसी का ही, सल्फर आयन के बी टाइप की बात करूं, तो वहां कितने हैं, तीन आयन है, वो सारे के सारे कि इसमें इसी यूनिट सेल के अंदर है, ये कहीं बाहर नहीं जा रहे, किसी दूसरे यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ये इसी के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो कितने टोटल ये हो गए, तीन ये हो गए। अब ये तीन और थ्री एंड सॉरी ये कितने हो गए, सिक्स टू या ट्वेल्व, ठीक है, टू ये हो गए, ठीक है, दो ये हो गए और तीन, तीन और दो पांच, फाइव, राइट। अब देखिए ये भी तो है फेज के सेंटर में, तो दो फेज हैं, एक हेक्सागोनल में कितने फेज हैं, यहां पर दो फेज हैं, ठीक है, एक इधर है एक इधर है, यहां पर आयंस दो फेज है, होते तो अब देखिए यहां पे देखिए तो ये आपका किस तरीके से हो जाएगा, दो फेज है तो कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक इसके नीचे होगा तो वन बाई टू का, कितने का, वन बाई टू का, तो दो है हमारे फेज पर प्रेजेंट इंटू वन बाई टू, तो टोटल कितने हो गए, वन, यहां से कितना निकल गया, वन निकल गया, इतनी बात समझ में आई आपके, ठीक है। तो ये तो हमारा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हमने जब देखा तो ये हमारा था कॉर्नर्स का, ये वाला हमारा था सेंटर का, और ये जो हमारा था वो फेज के सेंटर का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने प्रेजेंट हो गए, टू प्लस थ्री प्लस वन, कितने हो गए, टू प्लस थ्री प्लस वन, तो कितने हो गए टोटल, सिक्स आयन्स, सिक्स सल्फाइड आयन्स जो है वो इस वुडजाइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। कहां से आई बात, कहां से आई ये स्ट्रक्चर, कहां कहां पे प्रेजेंट थे, सिचुएशन क्या थी सल्फाइड की, इतना आपके समझ में आया, कैसे कैलकुलेट किया मैंने, ये आपके समझ में बात आई, आई ना, ठीक है। एक तो थे कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स पर कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन था, वन बाई सिक्स का, ठीक है, तो ट्वेल्व इंटू वन बाई सिक्स कितना हो जाएगा, टू, ठीक है। एक तो थे कहां पे, सेंटर पर, कहां पर था, एक सल्फाइड आयन, तीन सल्फाइड आयन कहां पर थे, सेंटर पे थे, दिख रहे साफ साफ दिख रहे स्ट्रक्चर में, तो ये सेंटर पे है तो इसी यूनिट सेल के अंदर तो है, दो बार बता रहा हूं इसको, तो तीन हो गए टोटल थ्री। अब जो ये सल्फाइड आयन और कहां कहां पे है, देखो ना, एक यहां पे है फेज के सेंटर में, एक इस वाली फेज में, तो ये दो फेज है हमारे, टू कर दिया मैंने इंटू कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वन बाई टू का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पूरा का पूरा थोड़ा अंदर है इसके, ये आधा बाहर है और आधा इस यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वैसे ही ऊपर वाला आधा ऊपर है और आधा इस यूनिट सेल में, तो आधा ही तो लेंगे, तो 2 into 1 by 2 कितना हो गया 1, तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो 6 आ गया हमारा, तो हम कह सकते हैं यहां से सल्फाइड आयन का हम कहेंगे यहां से सल्फाइड आयन जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका 6 आयंस का यहां पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इतनी बात आपके समझ में आई नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बताया मैंने यहां पर। अब हम देखते हैं जिंक आयन की बात, जिंक आयन जो है, आइए पहले से पढ़ते हैं, द जिंक आयंस आर ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब बात करते हैं हम, इससे पहले जब मैंने क्यूबिक की बताया था, क्यूबिक में मैंने कहा था कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, एट, एट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं क्यूबिक वाले स्ट्रक्चर में, जैसे एफसीसी टाइप वाले स्ट्रक्चर में कितने होते हैं, एट टाइप के, अभी प्रीवियस में पढ़ा था, एट टाइप के एट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, पर लेकिन ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, एचसीपी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एचसीपी स्ट्रक्चर्स में कॉर्नर्स की संख्या, सीसीपी में तो हमको पता थी, क्यूबिक वाले स्ट्रक्चर में तो हमको पता थी कॉर्नर्स की संख्या एट होती है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स वहां पर एट थे, पर यहां पर अगर मैं बात करूं एचसीपी में, अगर मैं बात करूं हेक्सागोनल में, अगर मैं बात करूं तो यहां पे कॉर्नर्स की संख्या कितनी है, 12 है, 1 2 3 4 5 6 और 6 इसके ऊपर 12 है, तो यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने प्रेजेंट होंगे, 12 ही तो प्रेजेंट होंगे। इतनी बात आपके समझ में आई, क्योंकि कॉर्नर्स पर ही हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जितने कॉर्नर्स उस स्ट्रक्चर के होंगे उतने हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, ठीक है। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड भी कैसे बोल रहा हूं, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारे जिंक आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो 12 हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो 12 का हाफ कर दो कितने हो गए टोटल, 6 हमारे जिंक आयन जो होंगे प्रेजेंट होंगे इस यूनिट सेल के अंदर। इतनी बात आपके समझ में आई है ना, तो टोटल हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अब आ जाइए, अब सिचुएशन समझते हैं कि ये जो जिंक आयन है, हमें पता चल गया कि हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, और हमें ये भी पता चल गया कि हेक्सागन में कितने कॉर्नर्स होते हैं, ये तो हमें पता था, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 12 कॉर्नर होते हैं, 12 कॉर्नर में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, 12,
टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाफ लिखा है, तो 12 का हमने हाफ किया तो हमको मिल गया 6 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 6 टेट्राहेड्रल वॉइड्स की सिचुएशन में हमारे जिंक आयन जो है वो अपना प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आइए अब देखते हैं कहां पे सिचुएशन है। आ जाओ, एक तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हैं। आ जाओ, जिंक 2 पॉजिटिव, 6 इनटू, अब इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। इनका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा ये अंदर तो नहीं है ना, कितना पार्ट इसका अंदर है, 1/3। अब आप बोलोगे सर ये 1/3 कैसे हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा 1/3। आ जाइए समझाता हूं। ये जो जिंक है, जिंक आयन है, ये एक देखो ये एज पे प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, एज के सेंटर पर। कहां पर है, एज के सेंटर पर। ये देखो एज है ना, ये वाली एज है, इसके सेंटर पर प्रेजेंट है। ये भी एक एज है, इसके सेंटर पर। ये 6 आयंस प्रेजेंट है, सेंटर पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये एज है, ऐसी ये एज है, इसके कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर पर प्रेजेंट है। तो 6 के 6 कहां, सेंटर पर प्रेजेंट है, एज के सेंटर पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, तो इस एक इसके बगल में होगा, एक इसके आगे की तरफ होगा, तो इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, एक इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो लैटिस पॉइंट है ये ऐसे गोल में प्रेजेंट है, मैंने डाल दिया ऐसे लगे ये। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस फर्स्ट वाले की। ये फर्स्ट वाला ये पूरा का पूरा यूनिट सेल पहला है, इसके बगल में दूसरा होगा, तो ये पहला यूनिट सेल हो गया, ये दूसरा यूनिट सेल हो गया, ये इसके बगल में तीसरा यूनिट सेल है। ठीक है, वो हम नहीं दिखा रहे, पहले पहले वाले यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट वाले में कितना कंट्रीब्यूशन है देखो, ये टोटल कितने, 3 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। समझ में आई आपकी बात, आई समझ में, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, आई आपके समझ में, है ना, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या कितना हो जाएगा हमारा, 1/3 पार्ट, इतना पार्ट जो इस यूनिट सेल में। तो ऐसे ही छोटा सा 1/3 इसका, 1/3 इसका, 1/3 इसका, 1/3 इसका, तो टोटल कितने हमारे, 6 है, तो 6 × 1/3, तो कितना आ गया आपका, यहां पे आपका कितने का कंट्रीब्यूशन हो गया, 2 आयंस का कंट्रीब्यूशन हो गया यहां पर। ठीक है, एज के सेंटर में 2 आयंस का कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं और कहां-कहां पे प्रेजेंट है भाई, अब कहां पे प्रेजेंट है और है हमारे टोटल कहां पे, इस यूनिट सेल के, इस हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर कितने प्रेजेंट है, 1, 2, 3 और एक और है 4। तो टोटल कितने प्रेजेंट है जिंक आयन और जो सेंटर पर प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है, ये सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे, और ये कहां पे प्रेजेंट थे, एज सेंटर, एज सेंटर। एज सेंटर पे ये प्रेजेंट थे, कितने प्रेजेंट थे, ये 2। अब सेंटर पे इस क्यूब के, या फिर इस क्यूब बोल रहा हूं मैं, हेक्सागन, हेक्सागन के सेंटर पे कितने प्रेजेंट है, 1, 2, 3 और 4। तो 4 + 2 कितना हो गया, तो टोटल जिंक आयन कितने हो गए भैया, 6। टोटल जिंक आयन कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। इतनी बात समझ में आई, एज सेंटर पे कितने थे, 6 थे, कितने का कंट्रीब्यूशन था, 1/3 का कंट्रीब्यूशन था, तो हमारा कितना निकला, 2 जिंक आयन निकले। सेंटर पे कितने थे, पूरे के पूरे इसी यूनिट सेल के अंदर है, तो 1, 2, 3, 4 है, तो 4 हो गए, तो 4 + 2, 6 जिंक आयन इसमें प्रेजेंट है। तो कितना हो गया सल्फर आयन, आ जाइए। अब जो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे वुडजाइड स्ट्रक्चर के, ठीक है, वुडजाइड स्ट्रक्चर में जो है जिंक सल्फाइड के जो कंपाउंड है वो कितने होंगे, टोटल 6 यूनिट। Each unit cell of zinc sulfide contain 6 unit of Zn Cl। कैसे, अभी बताया मैंने आपको, जिंक के 6 आयन थे और सल्फाइड के भी 6 आयन थे। ठीक है, उनसे मिलकर के हमारा जिंक सल्फाइड बना हुआ है। अब उसके टोटल कितने, 6 टोटल हो गए अपने 6। ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, 12 मत कर देना इसको, 6 बॉन्ड इसके साथ जिंक के आयन के 6 बॉन्ड के साथ बन गए, है ना, 6 बन जाएंगे, राइट। टोटल जिंक सल्फाइड 6 कंपाउंड या 6 यूनिट इसमें इस वुडजाइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, क्वेश्चन आएगा यहां से। ठीक है, तो यहां तक इतनी बात समझ में आई मेरी, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर,
कोऑर्डिनेशन नंबर भाई अपोजिटिवली चार्ज नियरेस्ट नेबर एटम, विपरीत आयन चार्ज वाले पड़ोसी। ठीक है, अब देखो पड़ोसियों को गिनो भाई, कितने पड़ोसी हैं इनके, आ जाओ भाई गिनते हैं। जब आप यहाँ पे देखोगे तो कितने पड़ोसी मिलेंगे, 4:4 का रेशियो मिलेगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, 4:4। 4:4 से क्या समझो भाई, कि अगर मैं जिंक आयन को पकड़ लूंगा, पकड़ लो भाई किसी भी, या सल्फाइड आयन को पकड़ लो, कोई सा पकड़ लो, सल्फाइड आयन को पकड़ लेते हैं, ये सल्फाइड आयन है ब्लू कलर का, इसको पकड़ लिया, इससे जो है चार हमारे जिंक आयन जुड़े हुए आपको मिलेंगे, 1, 2, 3 और एक चौथा इसके नीचे वाला। ठीक है, चार हमारे जिंक आयन मिलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं जिंक आयन को सिस्टम मान लूंगा, ठीक है, जिंक आयन को अगर मैं सिस्टम मान लूंगा तो इससे कितने जुड़े हुए मिलेंगे आपको, 4 अपने सल्फाइड आयन जुड़े हुए मिले, राइट। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4:4 का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा ए बी टाइप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए बी टू टाइप, सेकेंड टाइप जो है हमारा। ए बी टू टाइप में हम पढ़ेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल देख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम फ्लोराइड का इसका देख लिया, कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इससे जितने भी ऐसे इस तरीके के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, वो सारे के सारे हमारे ए बी टू वाले क्या कहलाते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब ये जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है इसका मैं कैल्शियम फ्लोराइड वाला एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोराइड किससे मिलकर बनाया गया, कैल्शियम के आयन से मिलकर के बनाया और फ्लोरीन फ्लोराइड आयन से मिलकर के ये क्रिस्टल लैटिस अपना बना हुआ होगा, राइट। तो देखते हैं अब इनकी सिचुएशन कहां पे, कैल्शियम आयन की सिचुएशन कहां पे, तो कैल्शियम आयन की सिचुएशन आपको यहाँ पे डायग्राम से दिख रहा होगा। कैल्शियम आयन की सिचुएशन क्या है, लैटिस पॉइंट जो है वो कैल्शियम आयन की वो कहां पे एफसीसी टाइप का अरेंजमेंट बना रहे हैं। कैसा अरेंजमेंट बना रहे हैं, एफसीसी टाइप का। तो एफसीसी टाइप का जो अरेंजमेंट है वो आपको पता है, यहाँ पे लिखा है दिस टाइप ऑफ कैल्शियम आयन आर प्रेजेंट इन एफसीसी। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एफसीसी में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। तो अभी अभी आपको पढ़ा चुका हूं मैं एफसीसी का अरेंजमेंट क्या होगा, 8:1/8 होगा कॉर्नर्स वालों का प्लस फेजेस वालों का कितना होगा, 6:1/8, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 4। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, कितने कैल्शियम आयन है, 4 कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड आयन हमारे प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारे फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं क्यूबिक में, कितने होते हैं, जितने हमारे उस क्यूब के कॉर्नर होते हैं उतने हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड भी प्रेजेंट होते हैं। सीधा सीधा आपको याद रखना है, तो 8 हमारे कॉर्नर हो गए तो 8 हमारे क्या हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। ठीक है, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो उस टेट्राहेड्रल वॉइड में उस खाली स्थान में क्या फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है, कौन सा आयन प्रेजेंट है, ये वाला फ्लोराइड आयन प्रेजेंट। तो इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इतना समझ में आए बात, ठीक है। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, आ जाओ अब हम कंक्लूजन यहां से निकालेंगे, ईच यूनिट सेल ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड कंटेन्स प्रत्येक यूनिट सेल, छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर के एक 3D क्रिस्टल लैटिस बनता है, आपको पता है। तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट सेल कैल्शियम फ्लोराइड के, 4 यूनिट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड से मिलकर के बनेंगे, क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोराइड स्ट्रक्चर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 यूनिट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड कैसे बना, मैंने अभी बताया आपको। आ जाओ यहाँ पे फिर से, 4 तो इसके थे कैल्शियम के एफसीसी में है तो 4 हो जाएगी, प्लस 8 किसके थे भाई, फ्लोरीन आयन के थे 8 से, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट थे। कितने यूनिट बना रहे हैं, 4 यूनिट बना रहे हैं, किसके बना रहे हैं, कैल्शियम फ्लोराइड टोटल, ये दोनों कैल्शियम फ्लोराइड। अब आप बोलोगे यहाँ पे 8 है तो ये तो एक फ्लोराइड आयन है ना, तो इसलिए यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 4 कैसे हो गया, यहाँ पे 2 फ्लोराइड आयन थे तो इसका हाफ कर देंगे, 8 का हाफ कर देंगे, तो इसलिए ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो अगर मैं F2 बोलूंगा इसको तो ये 4 मानूंगा ना, हाफ मानूंगा ना इसको मैं, समझ में आ रही है आपके बात, ठीक है। तो 4 ये है और 8 ये है, ठीक है, ये आयन सिंगल आयन है, तो ये तो 4 यूनिट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, राइट। इतनी बात समझ में आई आपके,
ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब इसके अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर अपोजिटिवली चार्ज नियरेस्ट नेबर एटम, ठीक है। तो कैल्शियम का मैंने बताया था कितने कितने आयन प्रेजेंट हैं इस लैटिस में, कैल्शियम के 4 आयन प्रेजेंट हैं, फ्लोराइड के कितने हैं 8 आयन प्रेजेंट है ना। तो अब देखो कैल्शियम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर एटम अपोजिटिवली चार्ज। अब इसके कितने चार के साथ कितने जुड़े हुए, 8 सॉरी एक सेकेंड, अब इस एक कैल्शियम आयन के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 8 हमारे यहां फ्लोराइड आयन इस कैल्शियम आयन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा हमारा, 8। और ऐसे ही अगर मैं फ्लोराइड आयन की बात करूं तो फ्लोराइड आयन से भी, एक फ्लोराइड आयन से जो है हमारे 4 कैल्शियम आयन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8:4 होगा। क्या होगा, 8:4 होगा। जबकि अगर मैं आयंस की बात करूं तो आयंस का अगर किसी ने रेशियो पूछ दिया, आयंस नंबर ऑफ आयंस का रेशियो अगर पूछा गया आपसे, इसका नंबर ऑफ आयंस का रेशियो अगर पूछा गया तो आप क्या कहोगे, 4:8, क्योंकि ये तो आयंस है ना, कैल्शियम के 4 आयन इसमें प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि FCC टाइप का बनाता है कैल्शियम, और फ्लोराइड के कितने आयंस प्रेजेंट है आपके, 8 आयन प्रेजेंट है इस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हमारे 4 आयंस प्रेजेंट होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है, नंबर ऑफ आयंस अलग चीज। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया कि इस एक आयन से कितने फ्लोराइड के आयन, इस कैल्शियम आयन से कितने फ्लोराइड के और आयन मिलकर के बने हुए हैं, राइट। इतनी बात समझ में आई आपके, कैसे बने हुए आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा यहाँ बीच में, ठीक है। तो एक इधर होगा, एक इसके बगल वाली यूनिट सेल में, तो ऐसी 1/8 पार्ट है ना, तो 8-7 इधर बाहर होंगे, तो 7 और 1 = 8, ठीक है। तो कैल्शियम आयन से 8 फ्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, ऐसे ही फ्लोराइड आयन से 4 कैल्शियम आयन जुड़े हुए होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका यहाँ पे 8:4 आया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप है हमारा A2B टाइप, कैसा टाइप, A2B टाइप। A2B टाइप को कह रहे हैं हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होता है अपोजिट होता है किसका, फ्लोराइड स्ट्रक्चर का अपोजिट होता है, इस फ्लोराइड स्ट्रक्चर का अपोजिट है क्या, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो साफ साफ आपको समझ में आना चाहिए कि यहां इसके कुछ एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं, लिथियम डाइलिथियम ऑक्साइड, डाइसोडियम ऑक्साइड, डाइपोटेशियम सल्फाइड, और भी बहुत सारे ETC एग्जाम्पल होंगे। तो इनमें से एक को पकड़ लो, डाइसोडियम ऑक्साइड को पकड़ लेते हैं, और इसके क्रिस्टल को हम जानते हैं कि इसके क्रिस्टल में जो आयंस होते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो जब एक का निकाल लेंगे तो सारे का ही सेम टू सेम होगा, राइट। तो इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे स्ट्रक्चर, तो लिथियम आयंस, सॉरी सोडियम आयन वाले की बात कर रहे हैं यहां पर। इन दिस स्ट्रक्चर सोडियम आयन आर ऑक्यूपाइड इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सोडियम आयन कहां होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। अभी मैंने पिछले वाले में देखो, आ जाओ पहले थोड़ा कंपेयर करा दो। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो कैटायन थे वो कहां थे, FCC में थे, और एनायन कहां थे आपके, एनायन कहां थे आपके, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में थे। तो यहां पे अब एंटी फ्लोराइड में मैंने क्या कहा, जस्ट उल्टा होगा फ्लोराइड का, तो जस्ट उल्टा है। कैटायन कहां प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, और एनायन, एनायन यहां पे क्या है, ऑक्साइड आयन है, वो कहां पे प्रेजेंट है, FCC में प्रेजेंट है। हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो बस इससे आपको याद रखना है, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो आ जाओ अब, जब सोडियम आपके कहां पे प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट है, तो आपको पता है कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं क्यूब में, या एक यूनिट सेल में, क्यूबिक वाले यूनिट सेल में 8 होते हैं, तो सोडियम आयन भी कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। ऑक्साइड आयन की बात करते हैं, ऑक्साइड आयन कहां पे प्रेजेंट है, FCC लैटिस में प्रेजेंट है। कितने होते हैं FCC लैटिस, 4 होते हैं, तो ऑक्साइड आयन वहां पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, कॉर्नर्स पर और फेस के सेंटर पर। तो टोटल हो गए हमारे ऑक्साइड आयन 4। तो यहां पे आयंस का रेशियो क्या बना, 8:4 का रेशियो बना। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। अगर सिचुएशन देखनी है तो आप ये देख सकते हो, आयंस देखो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहां पे सोडियम आयन प्रेजेंट है,
ठीक है, आठ होंगे टोटल। और अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो आपको पता है चार नीचे कॉर्नर है, चार ऊपर कॉर्नर है, आठ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 8 × 1/8। हर बार वही चीज बता रहा हूँ, वन। और फेजेस पे कितना है, ये फेज के सेंटर में, फेज के सेंटर में, तो टोटल छह फेज है, इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो हो गया कितना, 3। 3 + 1 हो गया आपका 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपके, ये होगी बात नंबर ऑफ आयंस की। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो जो होता है हमारा 4:8 होता है, 4:8 होता है। कैसे होता है भाई, आ जाओ देखें। सोडियम पकड़ लो, ये क्या सोडियम का आयन है, हाँ आ जाओ पहले से क्लियर करो। अब सोडियम का आयन जो है कितने, जो ये सोडियम का आयन है कितने अपोजिटिवली चार्ज ऑक्साइड आयन से जुड़ा हुआ है, कितने अपोजिटिवली चार्ज से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3 और 4 मान लो इसको, ठीक है। तो चार ऑक्साइड आयन से जुड़ा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भैया, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं ऑक्साइड आयन की, तो ऑक्साइड आयन कितने सोडियम पॉजिटिव आयन से जुड़ा हुआ है, तो कितने पॉजिटिव आयन से जुड़ा हुआ है भाई ऑक्साइड आयन, कितने पॉजिटिव आयन से जुड़ा हुआ है, तो 8 से जुड़ा हुआ होगा, तो 8 से जुड़ा हुआ होगा, तो एक ही अंदर और 7 इसके बाहर, जो दूसरे यूनिट सेल में 1/8 पार्ट बनाता है ना, ये कॉर्नर वाला 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट है, तो 8 इसके बाहर होंगे, 7 इसके बाहर होंगे, एक ही है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टोटल हो गया आपका 8। तो ऑक्साइड आयन जो है इस Na आयन से चिपके हुए हैं कितने, 8। और वैसे ही ये Na आयन ऑक्साइड आयन से चिपके हुए हैं कितने, 4। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारा 4:8, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे हैं, सिचुएशन कहां पर है आयंस की, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला, ये सारा का सारा मैंने आपको क्लियरली आपके माइंड में ये फिट बिठा दिया है। अब मेरे को लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, वही जो मैंने बता दिया आयंस। तो ईच यूनिट सेल ऑफ Na2O कंटेन्स कितने, 4 यूनिट ऑफ Na2O। तो प्रत्येक यूनिट सेल में डाई सोडियम ऑक्साइड के प्रत्येक यूनिट सेल में, या फिर बोलो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के प्रत्येक यूनिट सेल में कितने, 4 यूनिट ऑफ कंपाउंड, उसके कोई भी हो सकता है, Li2O भी हो सकता है, यहाँ पे Na2O का बोला है, तो 4 यूनिट ऑफ Na2O प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे वो बता दिया मैं, ठीक है। आपको पता है 4 Na आयन थे, ठीक है, सॉरी कितने थे Na आयन, टेट्राहेड्रल 8 Na आयन थे, प्लस O2 नेगेटिव कितने थे आपके, 4 थे, ठीक है। ये मिलकर के बनाते हैं हमारा 4 यूनिट ऑफ Na2O, राइट। तो ये 8 है यहाँ पे, इसका हाफ हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि Na2O हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना कंपाउंड बनाएगा ये, 4 यूनिट ऑफ Na2O। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट, इतनी बात आपके समझ में आई, आगे बढ़े। चलिए अब यहां पे हमारा जो भी क्रिस्टल लैटिस के हमने देखने थे इंपॉर्टेंट, वो हमारे हमने उनको सम अप कर दिया, वो कंप्लीट हो चुके। अब हम जो है अपना नया टॉपिक की तरफ को बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थियोरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, किसकी, क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट में आपको पता है सॉलिड हमारे क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपरफेक्शन आ जाता है, वो इंपरफेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है। अब वो कारण यहाँ पे आपके दिखाई दे रहे हैं, डिफेक्ट्स आपके मेनली कितने टाइप, वो कारण जो है वो कितने टाइप्स के हैं, यहाँ पे 4 टाइप्स के। एक है आपका पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट सेकेंड, थर्ड है आपका सरफेस डिफेक्ट, एंड फोर्थ है आपका वॉल्यूम डिफेक्ट। तो ये है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट, राइट। तो डिफेक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, फर्स्ट वाला अपना है पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट में डिफेक्ट आने के कारण किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, आपको पता है कोई भी क्रिस्टल लैटिस अगर मैं बात करूं तो आयंस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, आयंस से मिलकर के बना है। अगर वो आयंस बाय चांस अगर उस आयंस में कहीं पे क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये एक लैटिस है, आयंस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, A B A B, ठीक है, इस तरीके से एटम से या फिर बोलो आयन से, एटम से मिलकर के बने। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट में कोई एटम अगर मिस हो गया, क्या हो गया, अगर मिस हो गया, तो इस पॉइंट के कारण, इस
क्रिस्टल में क्या आ गया है, डिफेक्ट आ गया है, इम्परफेक्शन आ गया है। तो ऐसा इम्परफेक्शन क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। या फिर ये क्या चले जाएगा, इस क्रिस्टल से बाहर चले गया, कोई भी कारण हो सकता है। इस क्रिस्टल को हमने क्या दिया, टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स में कुछ वाइब्रेशन हुआ और वो क्या हो गए, किसी कारण से इम्परफेक्शन के कारण डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। इसमें डिफेक्ट होने के कारण क्या हो गया, ये जो पॉइंट, इस पर पॉइंट डिफेक्ट आ गया भैया, ये जो आयन या फिर एटम बोलो, ये बाहर आ गया इस क्रिस्टल से। या फिर ये हो सकता है इसके इंटरस्टिशियल साइड में चले गया, जहां पे खाली स्थान था वहां पर चले गया। तो इस कारण इस क्रिस्टल में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। तो पॉइंट डिफेक्ट के टाइप अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, वो डिटेल में पढ़ेंगे हम इन सबको, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये कैसे डिफेक्ट होते हैं भैया, नॉन आयनिक डिफेक्ट होते हैं, ये नॉन आयनिक कंपाउंड में मिलेंगे, नॉन आयनिक में मिलेंगे, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, मतलब एक आयन से दूसरा आयन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ठीक देखेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट है स्टॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, आगे पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में अपना पॉइंट डिफेक्ट ही मेंशन है, राइट। अब सेकंड टाइप हो गया हमारा लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, डिसलोकेशन हो जाएगा, आयंस का क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में अगर आयंस का डिसलोकेशन हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक लाइन में आयंस का डिसलोकेशन हो जाता है इस तरीके से। ये बाय चांस यहां पे आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका डिसलोकेशन हो जाएगा। तो एक लाइन में अगर डिसलोकेशन हो गया, इस लाइन में बाय चांस यहां से आयंस यहां से गायब हो गए, बाहर चले गए किसी भी कारण से, टेम्परेचर हो सकता है उसका कारण, ठीक है। तो यहां पे तो आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पे से क्या हो गए, आयंस एक लाइन में क्या हो गए, डिसलोकेट हो गए। तो वो क्या कहलाता है, हमारा लाइन डिफेक्ट कहलाता है, राइट। अब लाइन डिफेक्ट मेनली कितने टाइप का होता है भाई, लाइन डिफेक्ट होता है हमारा दो तरीके का। तो डिसलोकेशन क्या कहलाता है, अपना लाइन डिफेक्ट, ठीक। तो एज डिसलोकेशन, तो एज की तरफ से क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया था, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन, दो तरीके का डिसलोकेशन जो हमें यहां पर पढ़ना नहीं है, हमें बस समझना था लाइन डिसलोकेशन कैसा होता है। लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, आयंस का डिसलोकेशन हो जाता है, राइट, एक पूरी लाइन में डिसलोकेट हो जाती है, ठीक। थर्ड है अपना सरफेस डिफेक्ट। सरफेस में क्रिस्टल लैटिस के सरफेस में जो भी क्या आ जाएगा, इम्परफेक्शन आ जाएगा, किसके कारण, ग्रेन बाउंड्री हो गई, बाय चांस सरफेस क्या हो गई, ग्रेन, छोटे छोटे ग्रेन्स बाउंड्री, ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गया। ट्विन बाउंड्री हो गई उसकी, ठीक है, तो उससे सरफेस में क्या हो जाएगा, इम्परफेक्शन आ जाएगा, तो वो हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस का एक डिफेक्ट है, वो क्या है, सरफेस, उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस डिफेक्ट। फोर्थ जो आता है हमारा वॉल्यूम डिफेक्ट। तो क्रिस्टल लैटिस में वॉल्यूम में डिफेक्ट आ जाता है, किसके कारण भाई, वॉइड के कारण आ जाएगा, क्रैक होने के कारण वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्रिस्टल का, ठीक है। किसी भी आयन का इंक्लूजन या फिर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स का, फॉरेन आयन्स का इंक्लूजन हो गया, तो उस कारण से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ है इसमें प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन हो गया, आयन का जमाव हो जाता है, तो उस कारण भी वॉल्यूम डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस में क्या आ जाएगा, इम्परफेक्शन आ जाएगा, तो उस डिफेक्ट को कहते हैं, वो वाले डिफेक्ट को, फोर टाइप्स के डिफेक्ट दिख रहे हैं आपको, ये किसके अंडर आते हैं, वॉल्यूम डिफेक्ट। तो इतनी बात की हमने क्रिस्टल लैटिस में, कि क्रिस्टल लैटिस का क्लासिफिकेशन हमने चार तरीके से बांटा हुआ है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट एंड वॉल्यूम डिफेक्ट। अब हम चर्चा करेंगे डिटेल में किसकी, पॉइंट डिफेक्ट की, क्योंकि ये सिलेबस में हमारे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ते हैं, आइए। तो अगर हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट की, तो ये जो डिफेक्ट होता है आयंस के डेविएशन के कारण होता है, या फिर आयंस में पॉइंट के बनने से, पॉइंट का गैप, या फिर पॉइंट में क्या हो जाता है, आयंस का क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, उस कारण से ये डिफेक्ट जनरेट होता है, उस क्रिस्टल लैटिस में इम्परफेक्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने अभी से प्रीवियस में भी आपको बताया, क्रिस्टल है उसमें आयंस प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गए, डिसलोकेट हो गए, क्या हो गए, वो डिसलोकेट हो गए, ठीक है, क्या हो गए, वो डिसलोकेट हो गए। आ जाओ डिसलोकेट हो, तो ये यहां पे आयन थे, ए बी टाइप के एटम प्रेजेंट है, तो यहां से जो है बाहर भी जा सकता है, पॉइंट में डिफेक्ट आ गया, या तो ऐसा हो गया, या फिर क्या हुआ, इसके इंटरस्टिशियल साइड के अंदर घुस गया, जहां पे गैप था वहां वो आयन चले गया, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं,
पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज डिफेक्ट मेनली हैपन ड्यू टू डेविएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, चाहे वो एटम से मिलकर के बनाए हमारा लैटिस, चाहे आयन से मिलकर के बनाए, तो उनमें डेविएशन होने के कारण, उनमें पॉइंट में डिफेक्ट आने के कारण, इस डिफेक्ट को कहते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। राइट, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? पॉइंट डिफेक्ट मेनली होते हैं अपने थ्री टाइप्स के। पहला टाइप जो है हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको क्या कहते हैं? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। पहले समझ लीजिए कितने टाइप के हैं, थ्री टाइप्स। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है फर्दर क्लासिफाई हुआ है, पहला शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, सेकेंड है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज आ जाने के कारण ये डिफेक्ट हुआ। ठीक, थर्ड है हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये फर्दर क्लासिफाई हुआ है ये दो तरीके से, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई, नोट कीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट डिफेक्ट का ये क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तीन तरीके से हम डिफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं आइए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं स्टोकियोमेट्री की, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आयन और एटम और आयन द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और आयन प्रेजेंट आर एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। जो भी उसके केमिकल फॉर्मूला में रेशियो प्रेजेंट है, वही उसके नंबर उस क्रिस्टल लैटिस में एनायन और कैटायन का रेशियो होना चाहिए। राइट, तो ऐसा तो मतलब इसका, इससे क्या समझते हैं, मतलब आयन का स्टोकियोमेट्री क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए उसको केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर Ab2 टाइप का है, तो अगर इसमें कोई अगर डिफेक्ट आ गया टेम्परेचर के कारण, डिफेक्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी क्रिस्टल लैटिस को टेम्परेचर दिया, ठीक है, उसमें डिफेक्ट आ गया, बट उसकी स्टोकियोमेट्री में डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, उस मतलब उसके केमिकल फॉर्मूले में कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। वो डिफेक्ट से पहले भी सेम फॉर्म था, उसमें आयंस की संख्या सेम थी, और डिफेक्ट के बाद भी उसके आयंस का जो संख्या नहीं बोलेंगे रेशियो, उसके आयंस का जो रेशियो होगा वो समान रहना चाहिए। राइट, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़े, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा ये होता है। ठीक है, इस जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसका दूसरा नाम क्या है? इंट्रिंसिक। क्या है आपका? ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक डिफेक्ट क्यों बोले सर आपने इसको? इंट्रिंसिक डिफेक्ट इसमें इसलिए बोला क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, रेगुलर और रिपीटेटिव अरेंजमेंट में है। ठीक है, और इसी जो ये डिफेक्ट है, वो जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, एक ही क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है, क्रिस्टल के अंदर हो रहा है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं हम इसको, इंट्रिंसिक बोल रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक इसलिए भी कहा जाता है, आयंस का जो रेशियो है उसको केमिकल फॉर्मूले के रेशियो के वो इंडिकेट करना चाहिए। ठीक है, जो इसके द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और आयन जो भी प्रेजेंट होंगे उस क्रिस्टल लैटिस में, वो हमारे केमिकल फॉर्मूले के रेशियो के बराबर हो। ठीक है, इसलिए हमने इंट्रिंसिक, और इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। क्या कहते हैं हम इसको? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में अगर हम टेम्परेचर के कारण कोई डिफेक्ट उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक। तो ये सब बातें हम कहां करेंगे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में करेंगे। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम कहते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई हुआ है। पहला हम पढ़ेंगे इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट। कौन सा? शॉर्टकी डिफेक्ट, नाम से पता चल रहा है शॉर्ट, तो आयन का शॉर्टेज हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आयंस का शॉर्टेज हो जाता है। तो आइए, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। तो यहां पर ये आपको लैटिस दिख रहा है, क्रिस्टल लैटिस, तो यहां पर एनायन और कैटायन का क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। राइट, तो ये यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस है, ए बी आयन से मिलकर के बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ए आयन यहाँ से गायब हो गया, क्रिस्टल के बाहर चले गया, तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनाने के लिए भी बी आयन भी यहाँ से क्रिस्टल के बाहर आ गया। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट होता है अपना, वो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में जो आयन्स होते हैं उनका जो
जो आयंस होते हैं उनका जो साइज होता है वो बराबर होता है, कैसे होता है, बराबर, ठीक है। एनए जैसे फॉर एग्जाम्पल एनएसीएल, एग्जैक्टली बराबर नहीं कहेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, राइट। एनएसीएल बराबर होना चाहिए, केसीएल, सीएससीएल एंड एजीबीआर। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजीबीआर एक्सेप्शन है, मतलब एजीबीआर शॉर्ट की डिफेक्ट में भी आएगा और फ्रेंकल डिफेक्ट में भी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो गया, एनएसीएल, केसीएल और सीएससीएल एंड एजीबीआर क्या शॉर्ट की डिफेक्ट को दिखाते हैं, ठीक है। इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है, क्या होता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, ठीक है। रेडियस रेशो में हमने पढ़ा था एनएसीएल कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 होता है ना। तो जितने भी ये सारे के सारे हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई। सीएससीएल का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होगा 8 होता है। तो इस तरीके से इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई है। तो मॉलिक्यूल जो जो हाई वाले होंगे तो इससे आप पता लगा सकते हो हाई वाले कौन से, तो आसानी से आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करें डेंसिटी की, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है, द डेंसिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स डिक्रीजेस। क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्यों होगी भाई डेंसिटी, क्योंकि आयंस क्या चले गए, बाहर चले गए ना, आयंस क्या चले गए, बाहर चले गए, पर यूनिट वॉल्यूम में मास जो प्रेजेंट था वो क्या निकल गया, बाहर निकल गया, वही तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, यहाँ पे क्या कहेंगे हम, डेंसिटी क्या होती है इसकी, डिक्रीज होती है। अगर कोई बोले कि यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टेम्परेचर दूंगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, आयंस का मूवमेंट होना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनको गैप तो मिल गया, आयंस है ना, आयंस मूव होंगे यहाँ पे। तो अगर आयंस का मूवमेंट होगा, ठीक है, तो कंडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी, थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आयंस बाहर निकल गए, तो आयंस, क्योंकि आपको पता है सॉलिड में जो आयंस होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो अब यहाँ पे डिफेक्ट होने के कारण, शॉर्ट की डिफेक्ट होने के कारण यहाँ पे कंडक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट अब देखते हैं हम फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करेंगे, फ्रेंकल सेकेंड टाइप स्टोकियोमेट्रिक का फ्रेंकल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होगा, जो हमारा कैटायन है वो कहां पे, इंटरस्टीशियल साइड में चले जाएगा, कहां पे चल जाएगा, इंटरस्टीशियल साइड, इंटरस्टीशियल साइड बोले तो खाली स्थान, खाली स्थान में जाके चले जाएगा, ठीक है, और अपनी जगह से खाली स्थान में चले गए, देखो, ठीक है। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं हम, फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। अब आप पूछोगे सर एनायन क्यों नहीं गया, ये एनायन इसलिए नहीं जाता क्योंकि इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू कैटायन, तो इसलिए ये जो डिफेक्ट होगा ये किसमें होगा, सिर्फ कैटायन में होगा, राइट। तो वही चीज लिखी है, अ डिफेक्ट इन द मॉलिक्यूल वेयर एन एटम और आयन नॉर्मली द कैटायन की बात करेंगे हम, लीव्स इट्स ओन लैटिस साइट, क्या कर देता है, अपना जो ओन लैटिस साइट है उसको छोड़ करके कहां चले जाता है, इंटरस्टीशियल साइट के अंदर चला जाता है, ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। और वो जो साइड होती है वो क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, यहाँ पे वैकेंट स्पेस आ जाएगा, राइट। अब वैकेंट स्पेस आ गया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी हल्की थोड़ी बहुत जनरेट होगी, आयंस का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना, ठीक है। तो ये डिफेक्ट कहला रहा है हमारा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, लो होगा, क्या होगा, लो होगा। जितने भी लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड होंगे ना हमारे, वो सारे के सारे कहां आएंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट में आएंगे। आइए ZNS कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देखा होगा रेडियस रेशियो में, बताया था मैंने 4 होता है, ऐसे ही AGCL, AGBR और AGI। तो देखो यहाँ पे AGBR यहाँ पे भी आ रहा है, तो शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों के दोनों में AGBR एग्जांपल प्रेजेंट होगा, ठीक है। AGBR जो हमारा क्रिस्टल है वो फ्रेंकल भी दिखाएगा, डिफेक्ट भी दिखाएगा, और वो शॉर्ट की वाला डिफेक्ट भी दिखाएगा, ठीक है। द डेंसिटी, अब डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे जो आयंस हैं वो कहीं बाहर जा रहे हैं इस क्रिस्टल लैटिस से, नहीं जा रहे हैं ना, वो कहाँ जा रहे हैं, इसी क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टीशियल साइड, खाली स्थान में जा रहे हैं। तो कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स डज नॉट चेंजेस। तो डेंसिटी पे यहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, ये बात भी हो गई है। कितनी बात आपके समझ में आई, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए हमारा फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हो गया है। अब है हमारा स्टोकियोमेट्री, हमने कंप्लीट किया,
अब जो है हमारा सेकंड जो क्रिस्टल डिफेक्ट की अगर हमने बात की थी वहां पे पॉइंट डिफेक्ट में, पॉइंट डिफेक्ट की बात की हमने, तो उसका सेकंड है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। NaCl का एक क्रिस्टल लैटिस था, क्रिस्टल लैटिस था, उसमें हमने स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को ऐड किया। किसको ऐड किया? स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को ऐड किया। तो यहां पर क्या होगा, NaCl को जैसे ही हमने स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को उसमें अगर हमने ऐड किया, तो जो 2Na पॉजिटिव आयन आर रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव आयन। तो यहां पर क्या हुआ कि 2Na पॉजिटिव आयन, फॉर एग्जांपल पहले यहां पर स्ट्रॉन्शियम नहीं था, यहां पर क्या था Na पॉजिटिव था, यहां पर भी क्या था Na पॉजिटिव था। जैसे ही हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को डाला, ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या है, इस सोडियम से ज्यादा है, तो उसने क्या किया, सोडियम आयन वहां से क्या बाहर निकल गए, उस क्रिस्टल लैटिस से बाहर आ गए, दोनों के दोनों बाहर आ गए आगे सर। अब वहां पे जाके स्ट्रॉन्शियम आ गया, स्ट्रॉन्शियम आ गया तो स्ट्रॉन्शियम के पास क्या है, टू पॉजिटिव है, क्या है, टू पॉजिटिव है। अब दूसरा स्ट्रॉन्शियम यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रैलिटी, इस पूरे के पूरे आयन की न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, क्योंकि एक सोडियम, कितने आयन्स बाहर गए, एक पॉजिटिव यहाँ पे सोडियम आयन था और एक पॉजिटिव यहाँ पे सोडियम आयन था, तो दो पॉजिटिव बाहर निकल गए और यहाँ पे दो पॉजिटिव वाला ऑक्सीडेशन नंबर वाला, दो पॉजिटिव वाला स्ट्रॉन्शियम आ गया, तो उसने इस पूरे क्रिस्टल लैटिस के आयन्स को बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक न्यूट्रैलिटी को बना करके रखा इसने, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक वैकेंट स्पेस जेनरेट हो गया, क्या हो गया, वैकेंट स्पेस जनरेट। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझ में आया ना। तो हम क्या कहेंगे, द एडिशन ऑफ आयंस विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केमिकल इंप्योरिटीज इज कॉल्ड एज इंप्योरिटी डिफेक्ट। किसी दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट के आयन से क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया पहले वाले का। ठीक है, अब वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, हायर था एज कंपेयर टू पहले वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो ये जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है वो क्या हो जाता, कोलैप्स हो जाता, खत्म हो जाता, राइट। इतना बात आपके समझ में आया। ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन मेक अ वैकेंसी ऑफ कैटायन इन लैटिस। कैटायन के कारण यहाँ पे क्या हो रही है, वैकेंसी क्या हो रही है, यहाँ पर एक जेनरेट हो जा रही है। इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या हो जाती है, कैटायन के कारण एक वैकेंसी जेनरेट हो जाती है। तो ये याद रखने योग्य बात है, तो आपको याद रहेगी, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारा पॉइंट डिफेक्ट का थर्ड टाइप, जो है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे हमने स्टोकियोमेट्रिक में कहा था आयंस का रेशियो उसके केमिकल के क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूले के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, सेम होना चाहिए, रेशियो समान होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बट हम यहाँ पे अगर बात करें नॉन स्टोकियोमेट्रिक की, तो यहाँ पे क्या, दो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड इन विच प्रोपोर्शन ऑफ कैटायन एनायन इज नॉट सिमिलर। यहाँ पर क्या होता है, एनायन और कैटायन का जो प्रोपोर्शन होता है वो सिमिलर नहीं होता, राइट। इतनी बात समझ में आई, सीधा सीधा शॉर्टकट डेफिनेशन है। ठीक है, दो टाइप के मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्लासिफाई करके। फर्स्ट है, अब बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑब्जर्व इन क्रिस्टल इन विच एक्सेस ऑफ मेटल अकर्स। जहां पर क्या एक्सेस ऑफ मेटल हमको मिलेगा, उस तरीके का डिफेक्ट क्या कहलाएगा, हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। फर्स्ट हमारा है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, किसके कारण, एनायनिक वैकेंसी होने के कारण हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया भाई। अब कैसे हो गया एनायनिक डिफेक्ट होने के कारण, मेनली जो इसके एग्जांपल होंगे वो एल्काइल हैलाइड वाले एग्जांपल होंगे, एल्काइल हैलाइड वाले एग्जांपल होंगे। जैसे एल्काइल हैलाइड हो गए हमारे NaCl एंड KCl, राइट। अब देखिए, आइए एग्जांपल से समझते हैं। एक एक क्रिस्टल था NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी होने के कारण यहां पर क्या हो गया, स्पेस जनरेट हो गया। ठीक है, यहां पर क्या था, अभी इसको इलेक्ट्रॉन को हटा दो यहां से, यहां पर क्या हो गया, एक स्पेस जनरेट हो गया। तो इस कारण जो डिफेक्ट हो गया वो हमारा कहलाता है मेटल एक्सिस। अब कैसे हुआ मेटल एक्सिस डिफेक्ट, देखो अगर मैं NaCl की बात करूं, तो NaCl का एक क्रिस्टल है, इसको मैंने हीट दी,
जैसे मैंने इसे हीट दी और किसकी प्रेजेंस में, एनए वेपर की प्रेजेंस, मैंने एनए हीट देने के साथ साथ इसमें सोडियम के वेपर डालना शुरू किया। जब मैंने इसमें सोडियम के वेपर डाले तो जैसे ही इस क्रिस्टल में जैसे ही सोडियम के वेपर आए, ठीक है, सोडियम के वेपर आए तो उसने क्या किया, यहां पर गया वो और उसने यहां ऊपर के इस शीट के ऊपर के या फिर इस क्रिस्टल के ऊपर जाके चिपक गया। ठीक है, इसको कहानी की तरह समझो। अब इसकी तरह चिपक गया, अब उसने क्या किया, इस आयन को यहां से खींच लिया। कौन से वाले आयन को? नेगेटिव आयन को वहां से खींच लिया। अब नेगेटिव आयन को खींचा तो कैसे खींचेगा, पहले वो जो सोडियम का जो एटम था उसको खींच, क्या करेगा वो पहले अपने से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है, जैसे उसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया और उसने यहां से नेगेटिव को खींच लिया, ठीक है, तो वो NaCl वहां से बाहर निकल गया और जो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया था वो जाके यहाँ इस वैकेंट साइज साइट पर आकर के, जो इस खाली स्थान है वहां पे आकर के बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? ताकि इस क्रिस्टल लैटिस की न्यूट्रलिटी बनी रहे, ये क्रिस्टल लैटिस कोलैप्स ना हो, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आके यहां पर चले। तो इस एक्स्ट्रा कैटायन ने ड्यू टू, अब देखो इस जो एक कैटायन आया यहां से, कैटायन ही तो आया, ठीक है, तो यहां से उसने खींचा, ठीक, और खींचने के कारण यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी क्रिएट हो गई तो यहां पे वो जो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो आके यहां पर चला गया। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, हीटिंग ऑफ क्रिस्टल ऑफ NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, द नेगेटिव आयन इज फाउंड टू बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। तो उससे क्या हो गया, मैंने आपको बताया यहां से एनायन बाहर चले गया, ठीक है, मेकिंग अ होल, और उसने क्या बना दिया वहां पर, एक होल बना दिया विच गेट्स ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या हुआ, होल बनने के कारण वहां पर क्या हुआ, होल बन गया तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी जो हमारी डिस्टर्ब हो गई। अब उस डिस्टर्बेंस को बैलेंस करने के लिए जो इस सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया था वो जाके वहां पर उस वैकेंट साइट में जाकर के बैठ गया, राइट, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। वही चीज यहां पर लिखी हुई, इतनी बात आपके समझ में आई, ठीक है, आ जाइए। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है वो जो यहां पे बैठा हुआ है, इस सेंटर को क्या कहते हैं, हम एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं सेंटर को? एफ सेंटर नाम दिया गया, एफ सेंटर नाम दिया गया। ये जो एफ सेंटर है वो इस क्रिस्टल में कलर का फॉर्मेशन करता है, कलर देने का काम करता है इस क्रिस्टल को। क्या करता है? कलर देने का काम करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस क्रिस्टल को क्या देने का काम करेगा? कलर देने का काम करेगा। ठीक है, वही चीज यहां पे लिख, लैटिस साइट विच आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एफ सेंटर गिविंग कलर टू क्रिस्टल। क्या करेगा? उस क्रिस्टल को कलर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एल्काइल हैलाइड में मिलता है, तो एल्काइल हैलाइड लाइट, NaCl की बात हो रही थी, तो NaCl का कलर अगर मैं इस क्रिस्टल को जैसे ही विजिबल लाइट दूंगा ना, तो विजिबल लाइट यहां से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी। ठीक है, तो हमको वो क्रिस्टल कैसे दिखेगा भाई? येलो कलर का दिखेगा। कैसे दिखेगा? येलो कलर का दिखेगा ड्यू टू एफ सेंटर होने के कारण। ठीक है, LiCl का अगर वो क्रिस्टल होगा तो वो कैसा दिखेगा? पिंक कलर का दिखेगा। अगर वो KCl टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो कैसा दिखेगा? वॉयलेट कलर का स्ट्रक्चर, वॉयलेट कलर का दिखेगा। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए आप, एग्जाम्पल और उनके कलर भी याद होने चाहिए, किस टाइप के कलर का दिखेगा ये पता होना चाहिए, इम्प्योरिटी किस तरीके से हुई, ठीक है, कैसे यहां से सोडियम का एटम आया, सोडियम के वेपर हमने डाले इस क्रिस्टल में, वैकेंट स्पेस जनरेट हुआ, वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन चले गया, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम? एफ सेंटर कह दिए हमने। ठीक, ये सब बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का हमने फर्स्ट टाइप देखा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, देखा ना, एनायनिक वैकेंसी हो गई उसके कारण हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टीशियल साइट। ठीक है, अब पता चल रहा है हमको एक्स्ट्रा कैटायन कहां पर आ गया भाई? इंटरस्टीशियल साइट में आ गया। देखो आ रहा है ना, एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टीशियल, ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, यहां पे क्या हो गया? एक्स्ट्रा कैटायन आया। कैसे आ गया? रीजन पता होना चाहिए, तो आइए देखते हैं। व्हेन अ कंपाउंड इज हीटेड इट रिलीजेस एडिशनल कैटायन। जैसे ही हम इस कंपाउंड को हीट देंगे तो ये एक रिलीज करेगा, एक्स्ट्रा कैटायन को रिलीज करेगा, राइट। These cation occupy interstitial site, और वो cation जाकर के interstitial site में चला जाता है। ठीक है, and equal number of electron are transferred to neighboring interstitial site। जितने भी cation interstitial site में जाएंगे उसी के बराबर जो हमारे
इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इंटरस्टीशियल साइट में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बनाने के लिए, उस क्रिस्टल में न्यूट्रलिटी बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन भी वहां पर इंटरस्टीशियल साइट में चले जाए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए मान लीजिए ZN जिंक ऑक्साइड का हमारे पास एक क्रिस्टल है, उसको हमने क्या किया, हीट दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, जिंक टू पॉजिटिव, ठीक है, प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस, इस तरीके से जिंक ऑक्साइड टूटेगा, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड होता है वैसे व्हाइट कलर का, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ना तो ये कैसे दिखने लग जाएगा हमको, येलो कलर का, कैसे दिखने लग जाएगा, येलो कलर का, कैसे दिखने लग जाएगा, येलो कलर का, ड्यू टू किसके कारण, मेटल एक्सिस डिफेक्ट के कारण, ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट, क्वेश्चन आएगा यहां से, ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मैं भी सेकंड टाइप हमने पढ़ा, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन भी बोल सकते हो, एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल साइट, ये जो कैटायन एक्स्ट्रा थे वो कहां चले गए, इंटरस्टीशियल साइट में चले जाते हैं, हीट होने के कारण क्रिस्टल में हीट देंगे हम तो वो इंटरस्टीशियल साइट, राइट। इतनी बात समझ में आई, वही चीज मैंने यहाँ पे थियोरेटिकल वे में लिखी हुई है, एट रूम टेम्परेचर जिंक ऑक्साइड अपीयर्स व्हाइट, हाउएवर व्हेन इट लूजेस ऑक्सीजन इट टर्न्स येलो। तो जैसे ही जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, व्हाइट कलर का दिखता है, जैसे ही हम उसको हीट देते हैं तो वो कैसा, येलो कलर का हो जाता है। तो इतनी बात हुई मेटल एक्सिस डिफेक्ट का, दो पार्ट थे हमने, एक देखा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, सेकंड में देखा हमने ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल सेल, वो आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा, उस इंटरस्टीशियल सेल में एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, अब इस एक्स्ट्रा कैटायन को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी वहां पर प्रेजेंट होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एंड फाइनल आज के लेक्चर का, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का ये क्या है, सेकंड पार्ट है। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या है, देखिए आ जाइए, मेनली जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वहां पे ये आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आप पूछोगे सर क्यों ऐसा, वही क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, वहां पर जो वैलेंसीज होती हैं, है ना, एटम्स की जो वैलेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा वेरिएबल होती हैं, क्या होती है वहां पर, वेरिएबल वैलेंसी होती है, क्या होती है, वेरिएबल। तो आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपने देखा होगा प्लस 3 से लेकर के कहां तक जाता है, प्लस 7 तक जाता है ना, जाता है ना, तो वहां पर क्या होगी, वैलेंसीज का भी वेरिएबल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो निकिल को ले लो, ठीक है, कॉपर को ले लो, ठीक, और बहुत सारे हैं वेरिएबल वैलेंस, आयरन हो गया, राइट, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3 दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, तो इसलिए वो जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है वो मेनली आपको कहां पे दिखेगा, ट्रांजिशन मेटल में आपको वो दिखेगा, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, आयरन ऑक्साइड का एक ट्रांजिशन मेटल है आयरन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड था पहले, वो था ये जो क्रिस्टल बनाया हुआ है वो आयरन के प्लस 2 बना है, आयरन प्लस 2 से बना हुआ। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे आइए पहले इसको पढ़ते हैं, ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है वो कैसे हुआ, अकर ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग हायर चार्ज, ठीक है, किसी कारणवश यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हीट देने के कारण क्या हो गया, या फिर कोई और एक्सटर्नल किसी भी डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, कि यहाँ पर क्या हो गया, कि ये जो आयरन के जो टू पॉजिटिव के जो क्या थे, आयंस थे, वो क्या इस क्रिस्टल से बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, और जो आयरन थ्री पॉजिटिव था उसने इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए बाहर से आयरन के थ्री पॉजिटिव क्या आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर आ गए। तो देखिए कितने आयरन बाहर गए थे, 2 और 2 4, 2 है पॉजिटिव है ना, 4 पॉजिटिव आयन बाहर गए थे और 4 पॉजिटिव आयन अंदर आ गए, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, तो 4 पॉजिटिव आयन अंदर आ गए, F3 पॉजिटिव है ना, ये क्या है, F3 पॉजिटिव। तो ये कैसा हो गया, ये पूरा क्रिस्टल क्या हो गया, न्यूट्रल बना रहा। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, मेटल में हो रहा है, डेफिशिएंसी हो जा रही है, डेफिशिएंसी किसकी हो जा रही है, आयंस की डेफिशिएंसी हो जा रही है, मेटल आयंस की डेफिशिएंसी हो गई थी, क्रिस्टल को बाहर चले गए थे, जैसे ही क्रिस्टल को न्यूट्रलिटी, क्रिस्टल कोलैप्स ना हो, उसलिए हमने क्या किया,
जो एफ थ्री पॉजिटिव आए थे उनको क्रिस्टल के अंदर डाला। तो जैसे वो क्रिस्टल के अंदर आए तो यहाँ पे न्यूट्रैलिटी बनी, क्रिस्टल क्या कोलैप्स होने से बच गया हमारा। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पे मेटल की डेफिशिएंसी हुई। ठीक, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है, तो ठीक, तो एबीसी एकेडमी के साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।